षड्यंत्र कुछ लोग न्यू भी कम है ना, कुछ को नहीं। ये तो ये बिना आड़ की जबान है कि इन घुमा लियो इन फेंक दो भाई, इसने पकड़िए। यह बीमारी देखो ही, मैं इसकी बताऊंगा। ये देखो भाई, यह है भाई बीमारी। तो उन भैया का भी मैं धन्यवाद करूंगा, उनने पीछे बचवा दिए, राम जी बरस गया। मतलब ऐसा है, विरोध इंग्लिश भाषा एक माता के समान होती है। तो कोई क्या पता कोई एक अंग्रेज देखता हो मेरे को, वो इस उसके लिए अंग्रेजी सही। तो यार भाई 5 महीना नाट्य भी तो करा है, तो उस टाइम को ऊपर छोड़ दी या ले पाछो पाऊं को नहीं, खेता में कांड दे डग मकान दी, किसी टांग टूट जाए, किसी पा कट जाए, किसी किमी हो जाए, नहीं सोदो है भाई। जो नाम तेरा जो धर रखा घर के अंदर रखा है, अगर दोस्तों धर रखा है, अगर तना आप पे धरया था क्यों करके आदमिया का बोट आदमिया का वो बचाना जरूरी है इनका, तो लात से जो क्योंकि प्रोग्राम गऊ के लिए है, तो तुम देख सको हो शामी जो है गऊओं को नंदा दिया गया है, गऊओं को निमंत्रण दिया गया है इस प्रोग्राम में। और ले भाई थोड़ा सा उड़ान से आज थोड़ा सा मासूम है ये, और तो न्योंदे हमने देखे थे, कहीं तो न्योंदा दे रखा है, गाय तो भी न्योंदा दे रखा है, गऊ माता के अलावा है क्या जिंदगी में? प्रोग्रामर गऊ तो न्योंदा नहीं, जो फायदा किया है देखो, आ जाओ उड़ा भोजन करेंगे गऊ माता। गऊओं को भोजन के लिए आमंत्रित कराया है मासूम ने, तो मासूम कितनी गाय थी न्योंदा दिया आज? 600 गऊ को न्योंदा दिया है। ये प्रोग्राम चलता रहेगा, प्रोग्राम चलता रहेगा जी। मैंने तो गांव तो रिक्वेस्ट करूँ, चाहे 10 साल खातर दे दो, 10 साल के एडवांस दे दूंगा मैं तो। गांव का क्या योगदान मिला इस प्रोग्राम में? गांव वाला का योगदान ठीक है कुल मिला के भाई, लेकिन कई बार तो क्या होता है पानी की व्यवस्था को नहीं, कई भाई के ट्यूबवेल लग गए, उन्होंने पानी भी नहीं दिया, लेकिन प्रभु की मेहर होगी, बढ़िया वर्षा बढ़िया जवाहर होगी, तो कुछ लोग हो अगर गाँव के 2-4 हो जाए अगर, तो उन भैया का भी मैं धन्यवाद करूँगा, उनने पीछे बचवा दिए, राम जी बरस गया। पानी मोल का कौन लेना पड़ा? हाँ एम पर राम बरस गया। हाँ ये 5.5 एकड़ जमीन है। हाँ इसका 4 किला का तो हमने गौशाला में दे दिया था, 1.5 किला का हमने यो कटवा के जो है इन गौओं को भोजन करवाए। तो मासूम यार जो प्रेरणा है, चलो गाने बनाने की प्रेरणा तो राइटर भी हैं, वो भी तरह खून में है वह चीज़, लेकिन ये जो प्रेरणा मिली है इसके लिए कोई विशेष कोई प्रेरणा स्रोत है या क्या है? योगी जी भाई, योगी शुक्रायनाथ जी, जो महंत योगी शुक्रायनाथ जी हैं, वो इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो करने लग रहे हैं। तो हम ये तस्वीर संसार क्रांति पर लाइव तस्वीर तो हम इस टाइम देखने लग रहे हो, और योगी जी जो है हजारों गऊओं को चारा डालने का काम, और इसमें सानी में सानी योगी जी सानी से लड़ा दीजिए, छाननी से क्या छाननी है? हाँ। बड़ी छाननी है कड़बी, वो जो बोया हरा चारा उसमें चून रला दिया। हाँ तो आटा रला के आटा उसमें मिला के खिलाना, तो ये हमारी परंपरा भी है, गाय खुश होके खाती हैं, ये मासूम का कार्य है, इसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई मासूम की हिम्मत भी बढ़े, हौसला बढ़े, ताकि ऐसे और युवा भी आएँ और हम उनको और ज़्यादा साथ खड़े होकर के उनके हौसले को अफजाई करें, ताकि समाज एक नई दिशा की तरफ बढ़े। मुहिम का समर्थन कर रहे हैं, हाँ धर्मों धर्म कर रहे हैं बिल्कुल, ये देखो धर्मों और कर्मों सारे का समर्थन है, पूरे संसार क्रांति समूह का इस अच्छे काम को समर्थन है। विद कर्म विद धर्म, विद कर्म इंग्लिश का तो विरोध करा कर दिया। मैं कह रहा हूँ मतलब ऐसा है, विरोध इंग्लिश भाषा एक माता के समान होती है। तो कोई क्या पता कोई एक अंग्रेज देखता हो मेरे को, वो इस उसके लिए अंग्रेजी सही। और जो आप 5.5 का जिक्र कर रहे, कोई ना भाषा का प्रयोग है। तो विकास भाई मार्केट में मौजूद है, विकास भाई हाँ जी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय लंकेश, हमारा कैमरामैन की थोड़े हटियो भाई। हाँ विकास भाई जी सर, के इस कार्य में कितना के सहयोग मासूम को तारी तरफ से कितना के योगदान? सारा योगदान है। तो इस मुहिम को कब तक, मतलब जब तक कोई राजनीति में कोई बड़ा पद या बड़ा कद? इसी बात को नहीं, कोई राजनीति विषय नहीं है, बाकी के कोई राजनीति विषय नहीं है, लेकिन ये सामाजिक विषय है और ये चलता रहेगा कंटिन्यू। हाँ तो सरकार तक भी कुछ मैसेज देने का प्रयास है इस माध्यम से, भाई जो गाय सड़कों पर धक्के खावे है, तो इस माध्यम से सरकार को जागरूक करने का कोई प्रयास? सरकार ने गो आयोग बना रखा है और सरकार भी इस दिशा में काम करने लग रही है, लेकिन क्या है कि सारा काम सरकार भी नहीं कर सकती, कुछ लोग सामाजिक लोगों ने नौजवानों ने आके इसमें सहयोग करना चाहिए सरकार का, और सरकार अपने लेवल पर अपना काम करने लग रही है। तो ये ब्राह्मणवास गांव से ये मुहिम तो हमने शुरू करी है, इसको दूसरे गांव तक लेके जाने की क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह का इसका कोई सफल प्रयास लागत हमने मिलेगा?
देखो 100% आप लोगों का सहयोग है, गांव का सहयोग है, नौजवानों का सहयोग है, बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं, उनमें उत्साह है, तो हमें लग रहा है कि भाई वो अपने अपने गांव में नौजवान इस मुहिम को चलाओगे। अगर मान ले फिर भी कि भाई नहीं भी चलाओगे थोड़ी गाय पुराना की, तो भी ऐसा भी हो कह के भी जो ये जो पंचायत की भूमि जो हम आजकल बोला है ना जिनने गोचरण भूमि, ये गोचरण भूमि हुआ अगर दी पहले आजकल जो पंचायत की जमीन बोल गए उनकी बोली करवा दे, तो हमने ऐसा लगे है आप लोगों के सहयोग से बहुत सारे सरपंच ऐसे नौजवान बनेंगे जो वैसे ही गोचरण के लिए छोड़ देंगे, उनकी बोली ना हुआ वैसे ही सरकार, हाँ। सरकार इलेक्शन करवाओ ना करवाओ वो एक अलग बात है, सरकार का विषय नहीं इलेक्शन करवाना, वो हाईकोर्ट में कुछ मैटर पेंडिंग चल रहा था, विषय कुशलम कुशराम हो गया भाई, सरपंच का जिक्र नहीं कर दिया, हाँ। नहीं सरपंच के इलेक्शन का जिक्र कर दिया, राजनीति का जिक्र कर, इलेक्शन भी होंगे, राजनीति तो चले रही है, राजनीति वाली की उसमें कोई बात नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है विकास भाई, बाकी विकास नाम है भाई इसका, अर्नु का आग्रह मिले भाई हो बहनो हम विकास करेंगे, वो बेरानी विकास दिखा नहीं हमने सरकार का तो, लेकिन यू विकास जरूर दिखा, न्यू सरकार का भी विकास खूब चल रहा है, आप रोड में देख लो, सब किसी भी डिपार्टमेंट देख लो, बहुत बढ़िया काम चल रहा है सरकार का, कोई सरकार का आदमी है। चलो कालू भाई शुरुआत कर दी, जो कर रिबन काटे कर रहे हैं, आप शुरुआत करें अगर आज मैं शुरुआत करूंगा, अच्छा जिस तरह आप नजारो देखो नो बताओ आपको खुशी हुई, बिल्कुल आप तो देखा अपना खुशी है, तो इनको तो पेट भर इनका कितनी होगी, बिल्कुल कैमरामैन दिखूंगा चकुर देखी तस्वीर भी दिखाना है, और कालू भाई गौओं के लिए तेरा पूरा का पूरा जीवन समर्पित है, मैंने कई बार तेरे लाइव प्रोग्राम भी देखे हैं, हम सुख शांति तो जीवन दो रहे तो हाँ नहीं उसमें तेरा छो उठ जाए कई बार गाया के नाम पर, तेरा कई बार छो उठ जाए जो लोग समर्थ है, सामर्थ्य है जिनके पास, और वो गाय का कुछ नहीं, मतलब एक है कि मन न दुकानदारी कौन चलावनी, मन न लोग प्यारा मीठो बोल के रुपया नहीं लेना, अपना मन में जी से आओ ना उसी बता दिया चाहिए साड़ी की गाड़ लिख दिया आप गाड़ी दे दें अगलन भाई, हाँ उसके प्रति काफी देखा था गुस्सा था इनमें, लिम्पी स्किन डिजीज, हाँ बिल्कुल लाइव देखता हूँ मैं इनकी सारी, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रहे हैं, देखो कल नहीं इलेक्शन आऊंगा, गऊ हमारी माता है, गऊ के लिए ये कर दिया वो कर दिया, गऊ के लिए किमे कौन करो बहन की टैट पागल बनाऊ ही है, सुन ले मेरी बात, आज अरे गा के ऊपर मजबूरी है मुसीबत है, अरे के ऊपर है, आज कोई भी राजनीति आदमी को पोस्ट नहीं छोड़ी, दवाई एक मन तो देखी थी उसके ऊपर नाम लिखेड़ा हुआ बेडाली दवाई दे रखी है, हाँ तो मजीरा, हाँ तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा बराता जी, जय इतनी है गाय, जितनी गाय कालू भाई स्टेम अपने इसमें दिखे हैं, जय ये सारी गायें 10-10 किलो भी दूध देवे हैं, तो इनको इस ढंग से सेवा की जरूरत थी या ये घर में बन जाती, तो घर में बराता जी एक बात बताओ, पशु 2-4-5 महीना नाट्या भी तो करे, तो उस टाइम को ऊपर छोड़ दी या ले पाछ वो पाऊँ को नहीं खेता में गांड दी डगमगान दी, किसी टांग टूट जाए किसी को पाँ कट जाए किसी को किमी हो जाए, नहीं सोदो है, बिल्कुल हाँ जी, जो नस्ल पर काम करा जावे तो फसल भी बचाई जा सके है, और गोधन भी एक तरह से अपना सबसे बड़ा धन है उसकी रक्षा, तो नहीं तो आपका बस की बात नहीं है मेरा, सरकार कर सका है लेकिन सरकार करे को नहीं, सरकार नंगना का तुम्हारी है ना, ये तेरे बस में ना ये मेरे बस में है, और आपा के कर लाजी आपा तो जीनर उसका हूं कन कदेर वाले से, तो ये जो मौजूदा जो सत्ताधारी पार्टी से कोई आनी जानी लागी रहे इनकी, तो क्या कहना चाहोगे गौओं की रक्षा के लिए, मैं नलुई को सुबराता जी इन मैया की अरे खाए आख्या में पानी है, और यो पानी इतनो आ रहे है इनको अंत आ रहे सर, इनकी यह क्या होगी सारा की धरती पाटा के बीच में यह जागा सच्चाई की बात है, और आपने जिस तरह बीच में गैप दियो मैं लसडियो केस दिखाऊंगा, वो भाई खड़े उस्ताग ली देखियो तड़प दी देखियोगा, आ जाओ दिखाऊंगा अपना, बिल्कुल ये पिछाड़ ली भाई ने, क्योंकि इसका वो लिम्पी स्किन डिजीज हो रहा है इस गाय का शायद मेरे ख्याल, तो वो कालू भाई कुछ ऐसा ही मामला है नहीं, तो इसमें कोई के लागे है कालू भाई कोई षड्यंत्र कुछ लोग न्यू भी कम है ना कुछ को नहीं, ये तो ये बिना आड़ की जबान है कि इन घुमा लियो इन फेंक दो भाई, इसने पकड़िए एक बुरा गाना इस गाना पकड़िए वह नहीं इसका वो को नहीं खून खान को नहीं आ रहा बुराता जी, अच्छा। यह बीमारी देखो मैं इसकी बताऊंगा, ये देखो भाई यह है भाई बीमारी, यह बुराता जी ये सारा मत है लगभग ये गुमड़ा फूट जाएगा पीपली का डगो मक्खी भिन भिनाऊंगी, और फिर इसका जिस तरह आखिर में इसी स्टेज हो जाएगी मरने की, और इससे पहले अगर ई बिया नहीं बिया ठीक होने की तदार कूपर है, अगर कोई सरकार ने इतना इतना रुपया सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने दे है 2-2 लाख रुपया तंख्या दे, वो क्या काम है उन्होंने नुन बैठे रही हैं, अच्छा कालू भाई जी सरकारी बीमारी चल रही थी तो मानसा ने धक्का था पकड़ पकड़ कर उनका मुँह के झिके और उनका जो है ला कर दे, आदमिया का वोट आदमिया का वो बचावना जरूरी है, इनका तो लात से बिल्कुल मानसा ने तो धक्का था पकड़ पकड़ के सुबह ला कर ये के वोट देंगी, और तो जिदे मानस सही है ये आपकी याद कराओ,
ओड़ा भी किमिन किमे गोलमाल था, ओड़ा तो लान के ऊपर गोलमाल था, और आड़े ना लान के ऊपर। भाई मैं एक बात बताऊंगे, मेरे दो रजिस्ट्रा बहुत गणी गानू तड़पी जाही मरी जाही जी दिन दी मैंने देखी ही। मैं तो एक बात कह करूँ, नेता का वंश बंद होने की तदार के ऊपर भी आश की ऐसा काम हो रहा है, ये रहूंगी उनको वो सबको खत्म हो जाएगा इनको। बिल्कुल बात कह दिखाड़ू भाई ने, एक दिन टोन दे फिरेंगे, क्योंकि भाई अगर मारे तो सताप गाया लाग रहे हो, मारो वंश चल जा, इस चीज में रहूंगा नेता रहूंगा हमारा हाथ में किमे को नहीं, हम तो नंगड़ा गोबर गिर से कहा अड़गिर वाले से। बड़ी बड़ी बात जो है वह अड़ते होने लग रही है भाई, तुम देख सको हो मासूम शर्मा जो हरियाणवी कलाकार है, स्टार कलाकार, उसने एक अनूठी मुहिम जो है वो चलाई है, 5.5 एकड़ जमीन जिसको ठेका पर लेकर और आड़े जो है गऊओं के लिए चारे की व्यवस्था जो है करने का काम मासूम शर्मा ने कराया है अपने, और फिलहाल जो है वो उसकी शुरुआत आज करी है यजमान के साथ। और इनका साफ तौर पर कहना है कि भाई ये जो है इनका एक निस्वार्थ प्रयास है और लगातार जो है वो तो हम देखने लग रहे हो। हाँ जी, राम राम भाई, सारे भाइयों ने पहले तो संसार क्रांति की तरफ से मेरी तरफ से, और जिसने दर्शक भाई जो चैनल पर जुड़ेंगे सबको मेरे नमस्कार। मैं आपका अपना हरियाणवी कलाकार अमर कटारिया, मैं हरियाणा में भाई एक छोटी सी कलाकारी करता हूँ छोटी मोटी, और हरियाणा पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात भी हूँ, नौकरी भी करता हूँ साथ में। अमर कटारिया, सारे ने इनका नाम भी सुन रखा है, रुका रोड़ा भी सुन रखा है, और भाई गेले गेले पुलिस विभाग की ड्यूटी संभाले हैं, और आज जो सबसे जरूरी ड्यूटी थी उस ड्यूटी पर भी आज मौजूद दिखे, तैनात दिखे आज भी। दोस्तों आज हैं हम गाँव ब्राह्मणवास, ब्राह्मणों की देवता, देवों की भूमि में, और आज मासूम भाई ने पंचायती ज़मीन में इतना अच्छा काम किया है, क्योंकि पंचायती ज़मीन थी यहाँ गाँव की, उसमें अपनी जवार लगा कर गऊँ के लिए आज गऊँ का भंडारा करा गया। देखो सारे गाय कितनी अच्छे से खाना चारा चल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सबसे जिस हरे गाँव से ये विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जिस गाँव में अगर ज़मीन पंचायती है तो वो अपनी पंचायती ज़मीन में ऐसी मुहिम चलाए, ताकि हमारी जो गाय ने रोडों पर ना भटके, रोडों पर पल्ली पॉलीथिन ना खाएं, तो आप लोग सभी ये मुहिम को कामयाब बढ़ाओ। तो आए चून सानी में? हाँ बिल्कुल, बहुत तो अच्छा लगा, मेरे को बड़ी खुशी हुई। कैसा फील करा? मैं इतनी खुशी हुई, मेरे को इतनी खुशी हुई, तो आप इन जीवों को देखो ना कितनी खुशी हुई, नचारा मिला आज पेट भर कर, क्योंकि मैं यहाँ आया मुझे इतनी खुशी हुई, तो इनको तो अच्छे ज़्यादा खुशी हुई। तो मेरी सबसे यही प्रार्थना है भी गाय को लट मत मारो, बैठी गाय ने ठाओ मत। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी, तो राम राम करते जी। राम राम जी, राम राम। तो किस तरह का एक मिशन है, इस मिशन को क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया, ये दोनों भाइयों ने मासूम शर्मा और विकास शर्मा ने जो ये पंचायती ज़मीन ठेकअप लेकर गाँवों के लिए सोचा है, ये परमात्मा इनको बहुत भंडार भरेगा इनके, जो क्योंकि ये सोच बहुत कम मिलती है। और मासूम शर्मा उस दिन का गाँवों के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे मैं कई बार वीडियो भी देखता हूँ कालू के साथ, तो इसलिए मैं बहुत बहुत छोटे भाई को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो दिन रुकनी चार उन्नति करे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। तो भाई मासूम शर्मा का न्योंदा पे कोबरा पंडित भी पहुँच गया, तो कोबरा भाई प्रोग्राम बहुत बढ़िया प्रोग्राम लगे भाई, और मासूम जी तो सदा ही जब से देखने लग रहे हैं बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे काम करने लग रहे हैं, और आगे भी ऐसे करते रहोगे। और अभी देखा भाई गाँवों के लिए चारा, गाँव कुछ भी प्रोग्राम हो, गाँव के बारे में हो, किसी भी सामाजिक के बारे में हो, तो आगे मिले हैं मासूम शर्मा जी। कोबरा भाई जो नाम तेरा जो दर रखे घर के अंदर रखे है, अगर दोस्तान दर रखे है, अगर तन आप पे दरिया था, क्यों करके मामला? ये मेरा यार दोस्तों ने टेक किया था नाम जी, कोबरा जहरीला है। बिल्कुल जहरीला जी। क्यों जहर किस काम आओ? नहीं जहर तो देखो भाइयों का प्यार है, बाकी हम जहर दिखाते कौन भाई, कुछ ना यदि ज़्यादा कुछ प्रकोप से होना दिखा, जहर ही दिखाना दिखा देखो नहीं, मतलब कोबरा नाम है, जहर तो है, लेकिन वो इसी जगह काम आवा है, जो समाज विरोधी जो ताकते हैं उनके ऊपर काम आवा है। हाँ, उनके ऊपर काम आवा है। तो आज का जो कार्यक्रम है गवां ते भी नोंदा दे रखा है, तू भी बुला लिया, क्यों करके ला गया प्रोग्राम? बहुत बढ़िया प्रोग्राम लग गया, अभी आए हैं, बिल्कुल अच्छा प्रोग्राम लग गया, अच्छा रिपोर्ट है मासूम शर्मा जी, और अच्छा काम कर रहे हैं मासूम शर्मा जी, मतलब कलाकारी की दुनिया में तो डंका बजाए रखा था, और ये गवां की सेवा का मामला में भी डंका बजाए, गवां गवां के समाज के बारे में, बिल्कुल छत्तीस बिरादरी के बारे में सारे में आगे मासूम जी मिले हमने। ठीक है जी, धन्यवाद कोबरा भाई, शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया। तो भाई और भी काफ़ी सारे गणमान्य व्यक्ति जो है इस कार्यक्रम में इनवाइट कर रखे थे, वाकई में बहुत ज़बरदस्त ये कार्यक्रम था, और एक अच्छी शुरुआत है, और यह शुरुआत अगर प्रत्येक गांव में हो जाए तो गाय ना न्यू सड़क पर धक्के को नहीं खाने पड़े। तो वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो भाई, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि समस्या उसके दूर,
मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।